मध्य प्रदेश की राजनीति में 2023 का विधानसभा चुनाव सदैव याद रखा जाएगा। कुछ विधानसभाओं में लहर के सहारे चुनाव हुआ, कुछ विधानसभाओं में जहां जो मजबूत स्थानीय चेहरा था उसे जनता ने वोट किया है। उन्हीं में से एक विधानसभा है मध्य प्रदेश के दमोह जिले की पथरिया विधानसभा, जहां बसपा विधायक रामबाई विधायक हैं, जो दूसरी बार बसपा से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन इस बार वो मुश्किलों में नजर आ रही हैं। कुछ आंकड़े बता रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर मानी जा रही है, जहाँ कांग्रेस से राव विजेंद्र जो लोधी चेहरा है, साथ ही भाजपा से पूर्व विधायक लखन पटेल के बीच सीधी टक्कर है। हालांकि रामबाई को भी यहां से वोट मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बार उनका समीकरण बिगड़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के प्रत्याशी मीडिया से जरा दूर रहे, लेकिन जनता के बीच रहे। लोधी समाज के 30 से 32 हजार यहाँ वोटर हैं, तो कुर्मी समाज से भी 36 से 38 हजार वोटर हैं, और इन्होंने कांग्रेस और भाजपा को ही वोट किया है। ऐसे में अब दलित, ब्राह्मण और ठाकुर जैन के वोट के साथ अन्य ओबीसी वोट निर्णायक होगा, तब यहाँ फाइट बेहद रोचक होने वाली। उम्मीदें कांग्रेस के साथ हैं तो भाजपा के भी उतने ही आसार दिखाई दे रहे हैं, जबकि रामबाई की इस बार सतरंग में जमी विसाद फेल होती नजर आ रही है। हालांकि अगर कांग्रेस की लहर चली तो फिर राव बिजेंद्र सिंह की किस्मत चमक सकती है, वहीं दबे पांव लखन पटेल की भी आहट सुनाई दे रही है। गगन सिंह, सागर एक्सप्रेस न्यूज, पथरिया। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।